गर्मियां अपने चरम सीमा पे पहुंच गई है और इन गर्मियों में कुछ ठंडी रेसिपी तो होनी चाहिए। तो बस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई और एकदम शानदार ठंडी ठंडी रेसिपी। एकदम नया तरीका पाइनएप्पल शेक पीने का। ये देखिए, ये निकाली इसकी खोपड़ी और ये है इसके अंदर शेक जो हम जानदार। ये रेसिपी अगर आपको सीखनी है तो बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। एकदम शानदार अपने रेस्टोरेंट के अंदर अपने मेन्यू में आप इसको डाल सकते हैं। एक बार इस पाइनएप्पल के शेक को नजदीक से निहार लीजिए, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। इस शेक की ये खासियत है कि इसके अंदर 0% वेस्टेज होगा। इस शेक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पाइनएप्पल चाहिएगा, चाहे आप रानी ले ले, चाहे आप राजा ले ले। ये दोनों पाइनएप्पल की प्रजातियों के नाम है, एक येलो कलर का होता है, एक ग्रीनिश कलर का होता है। अब देखिए, जैसे ईद पे बकरे को लेटा के उसकी घाटकी को अलग किया जाता ना बड़े प्यार से, वैसे ही आपको इस पाइनएप्पल की घाटकी को अलग करना है। घाटकी को अलग करने के बाद आप एक पिलर ले लीजिए, जिससे हम गाजर वगैरह छीलते हैं ना, बस वही। फिर आपको जैसे मैं कर रहा हूं ना, उस तरीके से पिलर को नीचे डाल के पाइनएप्पल के अंदर और घुमाना है, ताकि पाइनएप्पल के अंदर का सारा जो माल है ना वो बाहर आ सके। इस मिशन को पूरा करने के लिए आपको नाइफ की जरूरत भी पड़ेगी और पिलर की भी। पिलर से तो आपको सारा डायरेक्शन देना है और जो नाइफ होगा उसको बीच में डाल के उसे गोल घुमाना है, जैसे अभी आप देख भी रहे होंगे। इससे क्या होगा, नीचे से वो ब्रेक होगा और सब कुछ बाहर आ जाएगा आसानी से। मुझे मालूम है इसमें थोड़ा सा कठिन कार्य है, लेकिन जब आप इसे अपने मेन्यू में रखेंगे ना और डेली डेली बनाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है ये। इसके लिए एक स्पेशल नाइफ आता है पॉज वाला, अगर आपको वो खरीदना है ना तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वो अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पे। अगर घर में आपको करना है तो प्रोसीजर तो सेम यही है, पहले पिलर से इसे घुमाइए, उसके बाद नाइफ से सब कुछ बाहर निकाल दीजिए, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए, सारा का सारा माल बाहर आ चुका है। अगर आपको ऐसा लग रहा है इसके अंदर माल बचा हुआ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये येल्लो पार्ट थोड़ा जो है ना वो वैसे भी अगर आप साइड काटते ना तो भी रहता इतना का इतना। ये तो हो गई पाइनएप्पल को हलाल करने की कहानी। अब जो इसके अंदर जो माल निकला है ना उसे क्या करना है, हमें पीसना है, क्योंकि हम तो बना रहे हैं पाइनएप्पल का शेक। इसे पीसने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, या फिर जूसर, या फिर मिक्सर, या फिर ग्राइंडर, सबसे पीसता है अच्छे से। पहले तो आप इसमें पाइनएप्पल का कीमा डालिए, उसके बाद डालना है आपको थोड़ी सी शुगर, बहुत ही कम मात्रा में डालिएगा। अगर आपका पाइनएप्पल थोड़ा सा खट्टा है तब ज्यादा डालनी है। फिर डालना है आपको बर्फ, वो डालना है ढेर सारा, तभी मजा आएगा शेक में। अब भाई इसके बाद बारी है आइसक्रीम की। मैंने यूज करी है अमेरिकन नट्स, आप चाहें तो वनीला आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं। एक पाइनएप्पल के अंदर 2 स्कूप आइसक्रीम इनफ होती है, 1 स्कूप हम बाद में ग्लास में भी डालेंगे या फिर पाइनएप्पल के ऊपर भी। आइसक्रीम के बाद थोड़े से ड्राई नट्स भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ काजू का यूज किया है, आप पिस्ता या उसके अलावा वॉलनट्स भी यूज कर सकते हैं। फिर बस इसे घुमाइए अच्छे से और इसका शेक बना लीजिए। अब जब तक ये पिस के एकदम शेक नहीं बन जाता तब तक एक जरूरी जानकारी बता देता हूँ। आप में से किसी को भी अपने रेस्टोरेंट या फिर अपनी होटल के लिए मेन्यू सेटअप करवाना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे, और नंबर भी दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर जरूर करूंगा। ये लीजिए आपका शेक पिस के एकदम रेडी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये दिख कैसे रहा है अभी। ना ही हमने इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले हैं, ना ही हमने पानी का यूज किया इसमें, ना ही कोई कलर डाला है, जैसा ही था वैसा ही बना दिया है। और इसका जो टेस्ट आएगा ना वो जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और वो डालते हैं ना उससे ज्यादा अच्छा आएगा। थिकनेस का तो मैं बोलूं ही क्या, आपको खुद ही दिख रहा होगा कितना गाढ़ा है हमारा शेक। इस शेक को आप पाइनएप्पल के अंदर भी सर्व कर सकते हैं और ग्लास में भी, कहीं पे भी सर्व करें गार्निश तो करना पड़ेगा। गार्निश के लिए थोड़ी सी आप डालिए किशमिश और उसके साथ साथ थोड़ा सा काजू,
फिर डालनी है आपको टूटी फ्रूटी, ये कलरफुल दिखाएगा आपके शेक को। फाइनली सबसे ऊपर आप डालिए थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा और रेडी है आपका पाइनएप्पल शेक पाइनएप्पल वाली ग्लास के अंदर। सर्व भी आपको इसी तरीके से करना है, टेबल तक गेस्ट की यही जाएगा, वो इस प्रकार से इसका ढक्कन खोलेगा और इसी तरीके से पिएगा। लग गई धार हमारी। ये बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? मेहनत लग रही है मेरे धार लगाने में भी और वीडियोस बनाने में भी। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर उन लोगों को करिएगा जो फूड में इंटरेस्ट रखते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।